प्रश्नमाला 16 ए अभी हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित आकृति में बिंदुओं के स्थिति को दर्शाने वाले उपयुक्त अक्षर चुनिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझने के लिए पहले हम एक तो आलेख बनाएंगे। देखिए पहले हम आलेख बनाएंगे, इसको हम समझते हैं कि क्या है। तो देखिए एक सीधा लाइन लेंगे, ठीक है, तो ये होगा एक्स अक्ष, इसको एक्स नाम देंगे, और जो इस तरह से वर्टिकल लाइन होगा उसको हम लेंगे वाई अक्ष। तो देखिए जैसे संख्या रेखा बनाते थे उसी तरह एक पहले इस तरह सीधा एक लाइन लेना है, रेखा लेना है, और देखिए जीरो बीच में हम देते थे जैसे संख्या रेखा में, तो उसी तरह यहाँ पे जीरो दे देना है। दायां तरफ धनात्मक संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और जीरो के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5, सब बराबर बराबर दूरी पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि एक और रेखा लेते हैं, देखिए एकदम सीधा जो बीच से जीरो से गुजरे, ठीक है, तो देखिए जीरो के ऊपर इसमें धनात्मक संख्या होगा 1 2 3 4 5, और जीरो के नीचे होगा ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, जहां तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक और हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे -5, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष, ये वाला लाइन देखिए जो धरती के समानांतर है उसको उस लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष। देखिए धरती के समानांतर है ये है, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं या हिंदी में क्षैतिज रेखा, ठीक है, और इसको वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा इसको बोलते हैं। देखिए धरती के एकदम सीधा परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी 90 डिग्री धरती पे बना रहा हो ये रेखा, देखिए तो इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। यहाँ पे एक्स देंगे दायां तरफ और बायां तरफ देंगे एक्स डैश, देखिए एक्स पे ऊपर डैश, और देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं बाई अक्ष, तो यहाँ पे बाई नाम बाई से नाम देंगे, देखिए जिधर धनात्मक संख्या है ऊपर में और ऋणात्मक संख्या तरफ बाई डैश, ठीक है। तो अब देखिए पहला में है 4 2, तो देखिए 4 2 है, देखिए 4, तो जो पहला जो अंक है वो हमेशा एक्स अक्ष पे दर्शाता है, दूसरा अंक बाई अक्ष पे। देखिए पहला जो होगा वो एक्स अक्ष पे दर्शाएगा, दूसरा बाई अक्ष पे, ठीक है, और देखिए जहां पे एक्स अक्ष और बाई अक्ष मिलता है वहां पे मूल बिंदु कहते हैं जीरो, ठीक है, यहां पे मूल बिंदु कहते हैं। और देखिए ये हुआ प्रथम चतुर्थांश हुआ, ठीक है, दोनों देखिए प्लस प्लस है, इस इधर भी देखिए ये भी धनात्मक है और इधर भी धनात्मक, तो इसमें पहला चतुर्थांश में जो आएगा वो धनात्मक होगा, दूसरा में देखिए दूसरा चतुर्थांश ये हुआ, तीसरा चतुर्थांश ये हुआ, चौथा चतुर्थांश ये हुआ, तो इसमें देखिए प्लस माइनस, इसमें एक्स अक्ष क्या है माइनस और बाई अक्ष है प्लस, इसमें देखिए एक्स अक्ष है माइनस और बाई अक्ष है भी माइनस, दोनों माइनस है, यहाँ पे एक्स अक्ष प्लस है बाई अक्ष माइनस है इसमें, ठीक है। तो ये हुआ पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें देखिए इसमें एक्स निर्देशांक का चिन्ह है प्लस, ठीक है, तो प्लस और बाई निर्देशांक का भी चिन्ह है प्लस, तो इसमें प्लस प्लस दोनों रहेगा, संख्या जो भी आएगा इसके बीच में वो सब दोनों प्लस प्लस ही आएगा, ठीक है, और इसमें देखिए दूसरा चतुर्थांश में एक्स अक्ष क्या है माइनस, ठीक है, तो इसमें आएगा पहले एक्स अक्ष आता है, कोई भी संख्या पहले एक्स अक्ष का आएगा उसके बाद बाई अक्ष, तो एक्स अक्ष है यहाँ पे माइनस, देखिए दूसरा चतुर्थांश में, तो यहाँ पे आएगा माइनस और प्लस, माइनस कॉमा प्लस, ठीक है, यानी पहले ऋणात्मक संख्या उसके बाद धनात्मक संख्या, तो हमेशा एक्स अक्ष पहले एक्स अक्ष का संख्या पहले लिखाता है उसके बाद बाई अक्ष का। अब देखिए तीसरा चतुर्थांश में एक्स अक्ष क्या है माइनस और बाई अक्ष भी माइनस है, तो इसमें दोनों संख्या ऋणात्मक होगा, देखिए इसमें एक्स अक्ष भी है माइनस और बाई अक्ष भी माइनस, यानी दोनों ऋणात्मक आएगा,
ठीक है, तो हमेशा पहला वाला संख्या जो रहेगा वो एक सच वाला रहेगा। चौथा चतुर्थांश में देखिए, एक सच है प्लस और बाई अच है माइनस, ठीक है, एक सच धनात्मक है बाई अच है ऋणात्मक। तो ये सब पहले हमको समझ लेना है, उसके बाद ये सारा प्रश्न इसमें हल होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए पहला है 4,2, तो एक सच और सिर्फ बाई अच दिया हुआ है, देखिए दोनों धनात्मक संख्या इसीलिए, और ऋणात्मक संख्या का कोई यहाँ पे अच नहीं दिया है, क्योंकि सब देखिए चारों क्या है धनात्मक संख्या है, तो बस ये दोनों के बीच में ही आएगा पहला चतुर्थांश में, जैसा कि आपको बताए थे अभी। तो देखिए 4,2 है, ठीक है, तो दर्शाने वाला उपयुक्त अक्षर चुनना है, तो हमको देखना है कि कौन सा अक्षर में 4,2 ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे स्थान निर्देशांक, ठीक है, ये दोनों को कहेंगे निर्देशांक। तो 4,2 निर्देशांक कौन सा अक्षर में देखिए आएगा, तो देखिए 4 है, यानी पहले हम अभी बताए थे कि एक्स वाला पहले रहेगा, हमेशा एक्स जो पहला अक्षर रहेगा वो हमेशा एक्स पे रहेगा। ठीक है, अगर माइनस रहेगा तो इधर वाले अक्ष पे लेंगे, और प्लस रहेगा धनात्मक रहेगा तो इधर वाले अक्ष पे। ठीक है, तो 4 देखिए यहाँ पे धनात्मक है, तो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, और फिर 2 है, तो 2 कहाँ पे है, बाई, 2 हमेशा बाई एच पे होगा, तो देखिए 4 और 2 यहाँ पे, ठीक है, तो 4 2 कहाँ पे मिल रहा है, डी पे। ठीक है, पहले 4 देखिए एक्स एक्स वाला पहले एक्स एच पे लेंगे 4, और 2 कहाँ पे है, बाई एच पे, तो दोनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे देखिए डी पे, देखिए यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, तो ए का आंसर हो जाएगा 4,2 के लिए अक्षर है डी। ठीक है, तो डी होगा, इसको हम बाद में कॉपी में लिख देंगे, ठीक है, अभी पहले समझ लीजिए एक बार, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, कॉपी में लिखेंगे इसको पहले, देखिए अब दूसरा 6,3, तो एक सच पे 6 है, ठीक है, तो एक सच पे 6 है, बाई एच पे 3, हमको ये संख्या देखकर ही समझ जाना है कि पहला जो अक्षर है वो एक सच पे होगा, दूसरा अक्षर बाई एच पे, अगर धनात्मक संख्या होगा तो एक्स वाले अक्ष पे धनात्मक संख्या की तरफ देखेंगे पहला, जो भी पहला अक्षर है, अगर ऋणात्मक संख्या होगा तो एक्स अक्ष वाले पे जो जिधर ऋणात्मक संख्या है उधर देखेंगे। तो देखिए 6 है, यानी 4 5 6 6 यहाँ आएगा, देखिए लिखा नहीं है लेकिन 6 यहाँ आएगा क्योंकि सब बराबर दूरी पे, तो 6,3, अब 3 कहाँ पे, यहाँ पे, दोनों कहाँ पे मिल रहा है, देखिए सी पे, तो बी के लिए हम लिखेंगे 6,3 के लिए अक्षर है सी, इसको हम कॉपी में लिख के भी हम बता देंगे। ठीक है, अब सी देखिए 3,8, तो 3 पहले एक सच पे देखेंगे, 3 यहाँ पे है, 8 कहाँ पे है, देखिए 4 के बाद 5 6 7 8 बाई एच पे, तो 8 यहाँ पे आया और 3 के सामने, यानी ये, तो सी में हम लिखेंगे 3,8 के लिए अक्षर है ए। अब देखिए डी में 0, तो 0 तो एकदम मूल बिंदु पे रहता है 0, तो एक सच पे 0 यहाँ पे है, दोनों जहां पे मिल रहा है, कॉमा 9, तो 9 कहाँ पे होगा, बाई एच पे, तो देखिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बी पे आया, तो इसको हम लिखेंगे 0,9 के लिए अक्षर है बी। ठीक है, तो इसको कॉपी में लिख देते हैं, तो देखिए इस तरह से हम लिख देंगे 4,2 के लिए अक्षर है डी, बी में 6,3 के लिए अक्षर है सी, 3,8 के लिए अक्षर है ए, और 0,9 के लिए अक्षर है बी। ठीक है, तो पहला हल हो चुका है, अब देखिए दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नांकित आकृति में बिंदुओं, ये सब बिंदुओं दिया हुआ है, ठीक है, के स्थिति को दर्शाने वाले उपयुक्त अक्षर चुनिए। तो इसमें भी देखिए पहला अक्षर क्या है, -3,8, तो पहला अक्षर देखते ही हमको समझ जाना है कि पहला अक्षर एक्स पे होगा, एक्स एच पे, दूसरा अक्षर बाई एच पे होगा। ठीक है, तो अब देखिए -3,8, ठीक है, पहला अक्षर देखिए -3,8, तो -3 कहाँ पे है, देखिए ये रहा चित्र, तो -3 के लिए हम एक सच देखिए दायां तरफ वो होता है धनात्मक संख्या, बायां तरफ ऋणात्मक, तो यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 सब बराबर दूरी पे रहेगा, जितना दूरी पे धनात्मक संख्या होगा उतना ही दूरी पे ऋणात्मक संख्या, तो देखिए यहाँ पे मूल बिंदु के बगल में आएगा -1, फिर -2 -3, अब देखिए -3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम कलम से ऐसे दिखा रहे हैं, -3 लिखा नहीं है देखिए बुक में, लेकिन -3 यहीं पे आएगा,
और फिर है कॉमा 8, तो 8 माइनस 3 आ गया। देखिए इधर एक्स अक्ष, एक्स 0 के बायां तरफ यानी एक्स अक्ष पे 0 के बायां तरफ, तो माइनस 3। अब 8 है तो 8 धनात्मक संख्या है, तो 8 के लिए हम जाएंगे ऊपर, ठीक है 0 से ऊपर। तो देखिए क्योंकि धनात्मक संख्या ऊपर है बाई अक्ष में और नीचे है ऋणात्मक संख्या, तो 8 के लिए देखिए यहाँ पर 4 आया है, 5 6 7 8, और -3 यहाँ था, तो 8 कहाँ पे होगा, ए पे। तो इसमें हम लिखेंगे -3, 8 के लिए अक्षर है ए, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, तो दूसरा देखिए दूसरा में है 9, -8, ठीक है। अब देखिए 9, तो 9 होगा एक्स अक्ष पे यानी धनात्मक संख्या है, तो दायां तरफ होगा, ठीक है 0 के दायां तरफ एक्स अक्ष पे। तो देखिए 9 कहाँ पे आएगा, 4 के बाद 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे आया। उसके बाद कितना है, 9, -8, तो -8 बाई एच पे नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ से गिनेंगे, देखिए मूल बिंदु के बगल में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, तो 9 कहाँ पे आया था, यहाँ पे। तो 9 और -8 कहाँ पे मिल रहा है, डी पे। तो इसमें हम लिखेंगे 9, -8 के लिए अक्षर है डी, ठीक है। अब देखिए तीसरा सी, सी क्वेश्चन है -4, -7, तो दोनों माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -4 कहाँ पे आएगा, यानी एक्स अक्ष पे 0 के बायां तरफ। तो देखिए -4, -7, तो -4 देखिए यहाँ पे -3 आया था, तो उसके बगल में क्या आएगा, -4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब -7 के लिए हम बाई अक्ष पे नीचे की ओर जाएंगे क्योंकि ऋणात्मक संख्या नीचे है, तो यहाँ पे आ गया -4। उसके बाद कह रहा है -7, तो -7 गिनेंगे यहाँ पे, मूल बिंदु के बगल में होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो देखिए -7 यहाँ पे आया, -4 एक्स अक्ष पे यहाँ पे आया था, तो -4, -7 कहाँ पे हो गया, बी पे। तो इसमें हम लिखेंगे -4, -7 के लिए अक्षर है बी। अब देखिए डी में, डी कह रहा है 0, -6, तो देखिए 0 तो एक ही जगह रहेगा जहां पे मूल बिंदु है, तो 0, यानी एक्स अक्ष पे कह रहा, तो 0 एक्स अक्ष पे रहे, 0 तो दोनों पे बराबर ही है, देखिए दोनों जहां पे मिल रहा है मूल बिंदु को 0 कहते हैं, तो 0, -6, तो -6 के लिए हम चलेंगे कहां पे, बाई अक्ष में, दूसरा अंक बाई अक्ष में पे दर्शाता है, तो माइनस अक्ष के लिए हम चलेंगे बाई के नीचे, 0 के नीचे, ठीक है बाई अक्ष पे 0 के नीचे। तो देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6 यानी सी पे आएगा, देखिए लिखा नहीं है लेकिन सब बराबर बराबर दूरी पे ही होगा, तो -6 कहाँ पे आएगा, सी पे। तो यहाँ इसमें हम लिखेंगे 0, -6 के लिए अक्षर है सी, तो इसको कॉपी में लिख देते हैं। तो देखिए दूसरा में हम लिखेंगे ए में -3, 8 के लिए अक्षर है ए, बी में 9, -8 के लिए अक्षर है डी, -4, -7 के लिए अक्षर है बी, डी में 0, -6 के लिए अक्षर है सी। तो इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे, बस देख करके हमको बताना है, इसमें कुछ बनाना नहीं है हमको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नांकित आकृति में बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हमको देखिए यहाँ पे निर्देशांक ये सब दिया हुआ था, ठीक है, और अक्षर हमको देख कर बताना था कि ए बी सी डी पे है, कहाँ पे है निर्देशांक। तो लेकिन यहाँ पे हमको देखिए ए बी सी डी ये सब दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, हमको निर्देशांक लिखना है, यानी इस तरह से हमको लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे 6, 3 ये सब लिखा हुआ था उसी तरह से यहाँ पे हमको लिखना है। तो देखिए पहले हम बिंदु ए को देखेंगे, ठीक है, तो ए बिंदु देखिए कहाँ पे है, तो सबसे पहले एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष वाले को देखेंगे, तो ए बिंदु एक्स अक्ष पे कहाँ पे आ रहा है, 4 पे। उसके बाद देखेंगे कि देखिए एक के सामने 4 है, उसके बाद देखेंगे बाई एच पे कहाँ पे आ रहा है, तो 4, तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4, 4, क्योंकि दोनों धनात्मक है, ठीक है। देखिए पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद कॉपी पे इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ए का आंसर हो जाएगा, ए का निर्देशांक 4, 4, दोनों धनात्मक है। अब देखिए बी का, तो बी के लिए हम पहले एक्स अक्ष पे देखेंगे, तो एक्स अक्ष पे देखिए बी के सामने एक्स अक्ष यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहां से गिनेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 के बाद 5,
5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, यानी 13 पे आ रहा है बी, ठीक है, 13 पे यानी 13 धना इधर है, 0 के दायां तरफ है एक सच पे, तो सब धनात्मक संख्याएं होगा, तो पहले 13 आ गया। अब देखिए एक सच पे कहाँ पे है, तो एक सच के लिए हम चलेंगे इसके सामने एकदम सीधा, देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए ये हुआ बाई अच पे, देखिए एक सच पहले, तो एक सच हम देख लिए 13 आया था, ठीक है, इधर से गिनने पे। अब हम बाई अच पे चलेंगे, तो बाई अच पे यहाँ पे आ रहा है, और 0 के बाई अच के नीचे है, देखिए मूल बिंदु से नीचे है बाई अच पे, तो यानी ऋणात्मक संख्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, -1 -2 -3, ठीक है, तो इसका निर्देशांक हो गया 13, -3, ठीक है, तो लिखेंगे बी का निर्देशांक 13, -3। अब देखिए सी पे चलेंगे, तो सी देखिए पहले एक सच देखेंगे, सी यहाँ पे है, तो सी के सामने पहले एक सच हम देखते हैं, क्योंकि सबसे पहला अंक होता है एक सच वाला, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कितना संख्या होगा, देखिए सी आ रहा है एक सच, मूल बिंदु 0 है, और एक सच पे मूल बिंदु से बायां तरफ, तो ऋणात्मक संख्या ही होगा, तो देखिए इसके सामने हम यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है संख्या, तो यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13, तो यानी सबसे पहला संख्या हो गया -13, ठीक है। अब देखिए बाई एच पे देखते हैं, तो यहां से सीधा इधर चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ऋणात्मक संख्या यहाँ आएगा, क्योंकि मूल बिंदु से नीचे है बाई एच पे, तो नीचे क्या होता है ऋणात्मक संख्या, तो यहां से गिनेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यानी इसका हो जाएगा -13, -7, तो इसको लिखेंगे सी का निर्देशांक है -13, -7। अब देखिए डी पे चलते हैं, तो डी है यहाँ पे, ठीक है, तो डी के लिए सबसे पहले हम एक सच, तो देखिए एक सच पे पहले देखते हैं, क्योंकि पहला अंक होता है एक सच वाला, तो डी से एकदम सीधा चलेंगे, यहाँ पे आ रहा है, और जब यहाँ पे आ रहा है, तो 0 के मूल बिंदु के देखिए बायां तरफ है एक सच पे, तो सब ऋणात्मक संख्या होगा, तो हम यहाँ पे गिनते हैं कि कितना आ रहा है, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है, -8 आ रहा है, तो -8 आ रहा है एक सच पे। अब देखिए बाई एच पे चलते हैं, तो यहां से सीधा चलेंगे यहाँ पे देखिए, और मूल बिंदु से ऊपर है बाई एच पे, तो सब धनात्मक संख्या होगा, तो देखिए 4 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 2 3 4, उसके बाद 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा -8, 5, तो लिखेंगे डी का निर्देशांक -8, 5। तो देखिए तीसरा में हम लिख देंगे ए का निर्देशांक 4, 4, बी का निर्देशांक 13, -3, सी का निर्देशांक -13, -7, डी का निर्देशांक -8, 5।